खुश है अपनी टीम की परफॉर्मेंस से, कैसे देखते हैं पूरा मैच? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा खेला और नवीन ने काफ़ी अच्छा किया है, आशु ने अच्छा किया है और पूरी टीम ने अच्छा किया है। सामने वाली टीम भी बहुत बेहतरीन टीम थी और मेरी टीम भी अच्छा खेली है। हाफ टाइम के बाद एक अलग ही एनर्जी दिखी पूरी टीम में, ऐसा आपने क्या बताया था टीम को हाफ टाइम पे और क्या की फैक्टर देखते हैं? नवीन आशु ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए कि सेकेंड हाफ में इतना अच्छा कमबैक हुआ। नहीं, बताने ना बताने वाली तो क्या बात है, खेलना मेरे इन प्लेयरों ने और ये बहुत सालों से मैं भी इनके साथ खेला हूँ तो बातें तो ये सभी जानते हैं कबड्डी की, कैसे कैसे खेलना चाहिए, कैसे नहीं खेलना चाहिए, किस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारी टीम ने अच्छा किया, सारा सारे प्लेयरों को ये, और कोच तो एक यही बोल सकता है, कोच क्या, मैं तो साथी इनका साथी प्लेयर हूँ मैं तो, और कोच तो क्या है, बस अच्छा किया प्लेयरों ने मेरे। पूरे मैच को कैसा देखते हैं कप्तान, और एटमोसफेयर कैसा था? तेलुगु होम टीम थी, काफ़ी सपोर्ट था उनको, तो पूरा एनर्जी था काफ़ी क्राउड में, कैसा लगा खेल के ऐसे ग्राउंड में? ये क्राउड में मज़ा ही आता है, बस सोचने की बात है कि भाई हम क्या सोच रहे हैं, हम अपना होम ग्राउंड मान रहे हैं, वो अपना मानो, अगर वो एक दूसरे को चेयर करे तो हम ये सोचते हुए हमें चेयर कर रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब लेनी चाहिए सभी से। और सर देखो कोच साहब को जाता है ये वैसे ही मना कर रहे हैं, एक टीम को संभालना जिसके कोच ने बिखर जाती है टीम, काफ़ी अच्छा है, जो पहले की थी उसके हिसाब थोड़ा खेल नहीं पाए, वरना और भी थोड़ा अच्छा हो सकता था। कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं मैच में, खुश भी हैं, टीम जीत गई, टीम का जीतना भी ज़रूरी है और अच्छा खेला, बाकी अच्छे तैयारी करेंगे आगे, जो गलतियां वो कम करेंगे। देखिए नवीन को पिछले सीजन में जो इंजरी हुई थी तो काफ़ी लड़के ने काफ़ी वर्क किया है, हमारी मैनेजमेंट ने इसको कंटिन्यू बम्बे रखा है और पूरा खर्चा उठाया है, इस लड़के ने भी इतनी मेहनत की है, मतलब मैं बता नहीं सकता बयानों में, उसको मैं आपके सामने रख नहीं सकता, तो ये सारा श्रेय इसका है, मैनेजमेंट का है। और एक दिन पहले भी आपने पूछा था कि नवीन के उस दिन 4 पॉइंट थे, तो मैंने कहा था ये सभी मानते हैं ये वर्ल्ड का बेहतरीन रेडरों में से एक है और ये बहुत दिन बाद मैट पर आया है और अभी कंटिन्यू एक महीने से 1.5 महीने से ही प्रैक्टिस कर रहा था, तो धीरे धीरे बस हम और आप लोग तो यही दुआ करेंगे ये कुछ को इंजरी ना हो, कुछ भी ना हो, किसी प्लेयर को भी ना हो कबड्डी में, मैं तो ये चाहता हूँ और यही दुआ करते हैं, तो ये अपना अच्छे से खेल दिखाएं और ये दिखाएगा, मुझे भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। और मैंने बताया मैं 4-5 साल इसको लेके खेला हूँ तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है जितना मुझे अपने खुद पर कॉन्फिडेंस है, इतना इन दोनों रेडरों पर कॉन्फिडेंस है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर, आज सुबह मुझे भरोसा है, बिल्कुल है, पिछली बार उसने करके दिखाया है और ऐसे प्लेयर के साथ खेलने में मज़ा भी आता है, कोच साहब के हमारे साथ आता था और कोच साहब हमारे साथ हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यही हमें लेके आए थे सबसे पहले, इन्होंने देखा था, इनके साथ पहले भी खेला हूँ, जब इनको मैं बाहर देखता हूँ तो मुझे लगता है कोच साहब अंदर मेरे साथ कॉर्नर खेल रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, ये एक मेरे लिए मोटिवेशन है, इस उम्र जो ये उम्र में खेल रहे थे और टीम को यही चला रहे हैं, जो ये बोलते हैं हम वही करते हैं, थोड़ा माइंड लगाते हैं तो इसी वजह से हम अच्छा कर पा रहे हैं। फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा गया, सेकेंड हाफ में कमबैक करा दिल्ली ने, आप पूरा परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? सर हमारा डिफेंस की कमी है, ऑफेंस हमारा बहुत बढ़िया खेल रहा है, डिफेंस ने हमारा साथ नहीं दिया और इस प्रकार से खेल लेंगे तो फिर लूज हो गए टीम, डिफेंस इज नॉट प्ले गुड। पवन सुपर परफॉर्मेंस टुडे, आप कैसे देखते हैं कप्तान पूरे मैच को, कहां कमी रहती है? कमी भाई थोड़ी डिफेंस की रहेगी, अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर देते, मैं कोच साहब को लास्ट तक भरोसा दिला रखा था कि पेनल्टी भी आ जाएगी, मैंने कैलकुलेट कर रखे थे 5 की लीड बन रही थी पेनल्टी आने के बाद भी, बल्कि आशीष उसके बाद जो बोनस प्लस उसने 2-3 बार लेके आया, उसने अपना काम अच्छा किया, लेकिन ये था कि मुझे, मैं उसके बाद रेडिंग में मैं देख लूँगा, जब चल रहा हूँ तो मैं देख लूँगा, बस इधर से पॉइंट नहीं जाने चाहिए, वो थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया कि बोनस प्लस एक रेड में उसका बोनस हो चुका था आशु का, फिर उसके बाद विजय ने एंकल पे हाथ डाला, उससे अगली में फिर बोनस प्लस अंकित गया, फिर 2 पॉइंट गए, 1 सिलेफ आउट अंकित हो गया, जब मैं उधर से तो पॉइंट आ ही रहे थे,
अंकित सिलेफ आउट होना, फिर साथ में सागर का आउट होना, मतलब अगर एक रेड में एक पॉइंट भी जा रहा है तो हमारे लिए नुकसान, मैं तो समझ नहीं रहा था स्टार्टिंग से ही। लेकिन बोनस प्लस या डबल पॉइंट वो थोड़ा सा है, लेकिन ये देखा जाए लास्ट मैच से या एक और लास्ट मैच से तो परफॉर्मेंस अच्छा था, टीम का अच्छा था, थोड़ा बहुत चलता है और अभी टूर्नामेंट बाकी है, चार ही मैच हुए हैं। बिल्कुल, आज काफी पॉजिटिव परफॉर्मेंस था, आशीष का परफॉर्मेंस भी काफी पॉजिटिव साइन था, क्राउड सपोर्ट भी था सभी का। ऐसा जी, ये मैच तो टोटली हमारे हाथ में आ गया था, हाथ में आने के बाद हमने ही इनको दिया है मैच। हमारा डिफेंस बिल्कुल नहीं खेल रहा, छोटी मोटी गलतियां होती हैं फिर ये वो मेजर गलती बन जाती हैं, और बहुत समझाने के बावजूद भी गलती करते रहे। देखते हैं आगे, कुछ अपना यंग यूनिट है, हां दोनों के लिए ही है, तो पर आज इंप्रूव दिखा टोटल, अपने से छोटी छोटी गलती हुई उससे मैच इधर से उधर चला जाता है। तो ऐसा कप्तान पवन के आप एक टाइप के यंग प्लेयर रहे हैं, अब कैसे यंग प्लेयर्स को लीड करते हैं आप और साहब, और उनको कैसे मेंटली अप रखते हैं, क्योंकि स्पेशली क्लोज लॉसेस के बाद और थोड़ा हिट करता है प्लेयर्स को। देखिए इतना क्लोज कोई भी मैच हो हिट तो करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन मैं मानता हूँ ना कोच साहब जितना मोटिवेट करते हैं ना शायद ही कोई लीग में करता होगा भाई, इतना मोटिवेट करके खिलाते हैं मैच से पहले। पिछला मैच तो बुरा आ रहे हैं 30 पॉइंट से आ रहे हैं, उसके बावजूद शोल्डर पे हाथ रख के खाने पे साथ बैठ के बोलते हैं कि कोई बात नहीं मैच ऐसे इससे भी अपने एग्जाम्पल देते हैं कि हम दिल्ली में एक बार इससे भी बुरे हारे थे, उसके बाद हमने कमबैक किया, ट्रॉफी उठाई भी थी सीजन 8 में, 40 पॉइंट से बेंगलुरु बुल्स से हारे थे। तो ऐसे ऐसे मोटिवेशन एग्जांपल देते हैं, तो मैं भाई मुझे खुद देते हैं लास्ट मैच में मेरी परफॉर्मेंस क्या थी, उससे पहले में मेरी क्या थी, मुझे इतना मोटिवेट करके रखते हैं। छोटी छोटी माइनर गलतियाँ मैंने भी की है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा कि जैसे हेल्पर पे एक बार डाई मार दी, अगर मैं ही चल रहा हूँ मैं डिफेंस में आउट हो रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेजर तो है। लेकिन नहीं, जो यंग है उनको मोटिवेट काफ़ी कर रहे हैं कोच साहब, मतलब मैं इनमें कहीं पे भी कोच साहब का फॉल्ट नहीं समझता, प्लेयर यंग है, थोड़े से सेट होने में टाइम लग रहा है, अभी 4 मैच लगे, पता नहीं 6 में सेट होंगे 7 में सेट होंगे, जब सेट होंगे वो चैंपियन की तरह खेलेंगे। मेरा ये सवाल था कि आज क्राउड सपोर्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एनवायरमेंट था, फर्स्ट हाफ में दिख रहा था कि बहुत इन्जॉय कर रहे हो खेलना, कुछ इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे पूरे एटमोसफेयर के बारे में, चाहे मैच आपके हक में नहीं गया बट देखिए क्राउड का तो सपोर्ट पहले मैच से ही रहा है, क्राउड का तो हम इसमें है ही नहीं कोई मिस्टेक, क्राउड तो डेफिनेटली तेलुगु टाइटन का, मैं इतने 2 सीजन से तो मैं ही और बॉटम पे थे लास्ट सीजन, उसके बावजूद इतना सपोर्ट कर रहे थे, तो सपोर्ट क्राउड के मामले में तो कहीं पे कुछ भाई, मुझे तो इस तेलुगु टाइटन फैंस पे मैं गर्व महसूस करता हूँ कि प्राउड महसूस करता हूँ कि ऐसे फैंस हैं कि कंटिन्यूस इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं, और जब ऐसा क्राउड का सपोर्ट होता है टीम भी अच्छा परफॉर्म करती है। 2-3 मैच जैसे टफ मैच था हमारे लिए, थोड़ा सा इस हार का दुख होता है, ऐसी हार का दुख होता है। साफी सवाल को साहब आपके लिए कि पटना के साथ मैच है अगला और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है कल कमबैक करके, और नया यंग लीडर है दिमाग, तो कैसे देखते हैं उनकी टीम को? सर अब तो परसों ही पता चलेगा और अच्छा खेलेंगे ये तो मुझे उम्मीद है सर, बाकी तो जो टीम अच्छा खेलेगी विनर हो जाएगी।